क्या? उसने मेरा घुटना चाटा, मैं उसकी घुटनी चाट गया। अबे क्या बकवास कर रहा है? और ये देख अपनी हेल्थ देख, तेरा पेट निकला हुआ है, कुछ कर इसका। क्या करूं? पिछले साल भी मैंने तुझे कहा था रेगुलर जिम ज्वाइन कर। आपने कहा था रेगुलर जिम कोई है ही नहीं, ढूंढ रहा हूं करके, पूरी दुनिया घूम लिया, रेगुलर जिम का नाम का कोई जिम ही नहीं है, पागल बनाते हो मेरे को। एक बार दूसरा कंटेस्टेंट भेजिए यहाँ पे, प्लीज सेंड सना खान। अरे वही एक अच्छी है जो टीआरपी देती है। वो मेरे लेवल की है, उसको बुलाओ। सलमान हाय, प्लीज मुझे दूसरी फिल्म दो ना। अरे दूसरी क्या, तीसरी भी देंगे तुझे। अबे लेकिन तू क्या कंटेंट दे रही है, बिग बॉस में कंटेंट दे। अबे केआरके को देख क्या कंटेंट दिया था, इतने 2 रुपीस पीपल बोतले मार मार के, कुछ तो कर। हाय केआरके, क्या बात है, आजकल दिखते नहीं हो। अरे क्या नहीं दिखते, इतनी सारी फिल्मों में दिखते हैं। अच्छा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ यार, अरे उनका ड्रेसिंग सेंस देखना, अमीर नहीं दिखते, इसका कुछ करो ना। अबे क्या बकवास करी, ड्रेसिंग सेंस कितना कमाल का है, कितना अलग है देख, शर्ट अलग है, कोट अलग है, पैंट अलग है, बूट अलग है, इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्री से भी अलग है। उनको पता है कितनी प्रॉब्लम होती केआरके को, जब साइन करने गए थे हम लोग, हमने कहा साइन करो, कहते नहीं मैं अंगूठा लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अंगूठा लगाओ, अपना पूरा मुंह मल दिया ऐसे पेपर के ऊपर। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, कहता मेरा मुंह ही अंगूठे जैसा है, मैं क्या करूं। अरे राहुल, अरे ऐसी एक मिनट, ये राहुल को क्या हो गया? राहुल लगता राहुल को स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो तू मेरा? अबे अबे राहुल मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? अबे आपने कहा कंटेंट दो, कंटेंट दो, अब बिग बॉस में जितना लड़ोगे उतना कंटेंट आएगा। अबे लड़ना है तो इन लोगों से लड़, इन लोगों से नहीं है, आगे से मारते हैं बदमाश है। ये मुझे कुछ नहीं कहता, डरता है मेरे से, इतना बड़ा फिर भी डरता है। अरे छोड़, अबे कंटेंट मतलब उनकी तरह दे, बोतल फेंक फेंक के मारा था उन्होंने। हाँ सबने देखा था, पता है जो सुबह सुबह बॉटल उठाता है वो आजकल सबको बोतलें फेंक रहा था बिग बॉस हाउस में। हमारे केआर के साहब पता है कितने अमीर आदमी है, अरे दुबई फ्लाइट टू फ्लाइट एवरी वीक। हाँ और फ्लाइट में सब एयरोस्टेस इनको विस्की बकाडी वोडका। राम इतनी रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट नहीं बोलते, पिला पिला के टून करो, होश में रहना, बड़बड़ करता रहेगा फिर ये। प्रॉब्लम है इसका। केआरके जी आजकल आज फिल्मों में क्यों नहीं दिखते? अरे हर फिल्म में आते हैं, वो थिएटर में देखा नहीं है, हर फिल्म शुरू होने से पहले आते हैं, मेरा नाम महेश है, गुटखा खा के मैं ऐसा हो गया। वैसे केआरके जी मैं ना आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ, अभी अभी आप कह रहे थे शो की लड़कियां सुंदर नहीं है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस सिंहासन पर बैठे हो ना, जिस मिस्त्री ने इसको बनाया था वो भी आपसे ज्यादा सुंदर है। अपनी जिंदगी में कभी भी दुबई नहीं जा पाएगी तो। तुझे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, अबे ऐसा मत बोल, 2 लाख रुपया सैलरी देते हैं ये ड्राइवर को। रियली 2 लाख? हाँ नहीं, ड्राइवरी के 10,000 होते हैं, ताकि 1,90,000 साहब बोलने का देते हैं ये। मेरा सही, इसलिए मैंने गाड़ी रखी नहीं, हम तो ऑटो पे आते हैं। अबे राहुल, राहुल मैं बोलता हूँ तू बिग बॉस से बात कर, राहुल राहुल क्या होता है, ओए करके बात कर। अबे सब बकवास छोड़, मैं बोलता हूँ बिग बॉस छोड़, तू फिल्मों में जा, फिल्मों में। फिल्मों में? हाँ तू किस हीरो का फैन है ये बता। मैं चाहे वो यहाँ नहीं है लेकिन बिंदु दारा सिंह। अबे ये कैसा बिंदु दारा सिंह? हाँ उसको पूछोगे वो मेरा नाम लेता है, मैं उसका वो मेरा, हम दोनों आपस में नहीं लेते। केआरके जी आपको इनका एक्ट कैसा लगा? नहीं एक्ट तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने, बट मैंने इनको भुक्कड़ भी देखा है। मैं दुबई एयरपोर्ट में जा रहा था, एक
बंदा जो है बड़े जोर जोर से चला है, बंद बंद। मैंने देखा यार कौन है, मैंने देखा ये दोनों है। अबे मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे बोला फ्री की कॉफी मांग रहे थे तो चिल्लाने लगा। मैंने कहा फ्री की कॉफी क्यों मांग रहे थे, अरे बोला भाई हमें फ्री में जाने की आदत, फ्री में रहने की आदत, जो शो कराते हैं वही देते हैं। सुबह सुबह होटल से धक्के मार के निकाल दिया, अब 5 रुपए भी खर्च तो करने नहीं, हमने सोचा यही फ्री के ले लो। मैंने बोला आओ तुम आओ, मैं इनको लेके जाने लगा एक लाउंज में, वहां खूबसूरत। सर मैं सच्ची बात एक बात बोलूं सर, हाँ। जब हम फ्री की कॉफी मांग रहे थे और हाँ। आप ठेले पे बेच रहे थे, आपने दी। सुनिए, दुबई एयरपोर्ट में ठेला तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो। तो एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी काउंटर पे, तो ये बोले भाई ये हमें अंदर नहीं जाने देगी, हमारे चेहरे पे लिखा है लुक्खा 2 रुपीज पीपल। मैंने बोला सालो तुम केआरके के साथ हो, किसी का भाप भी नहीं रोक सकता। ये आए, मैंने इनको कॉफी पिलाई, कॉफी पी के सुदेश बोलता है या अल्लाह तेरा शुक्र पेट में कुछ पड़ा है, नहीं तो भाई अब तो फ्लाइट में जाके ही फ्री की पीनी थी, खरीदनी तो थी ही नहीं। इतने बड़े भूखे हैं ये। जब भी कोई हमारा गेस्ट आता है उसकी बात पूरी होने दो, पता क्या है कोई पता नहीं आधा घंटे के बाद कोई पंच आ जाए उनकी बात। और राहुल जी आपको बहुत अच्छा लगा, मेरे ख्याल से हम लोग कई बार लोगों को अच्छा ही लगता है उनका मजाक उड़ाना, पर बेइज्जत तो उनको ही कही जा सकता है जिनकी कोई इज्जत हो। बहुत बढ़िया। सर अदा के लिए आपने कुछ भी नहीं बोला। हाँ सर, एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के शो की सबसे खूबसूरत लड़की अदा ही है। क्या बात है, थैंक गॉड। मैंने इसको हमेशा के बाद कोई तो पसंद आया सर आपको। नहीं, मैं इसको हमेशा समझाता, कहती मेरे साथ कोई मजाक नहीं करता, कर दिया ना आज। होता है, वेट करो। चलिए एक बार जोरदार तालियां कृष्णा सुदेश और अदा के लिए। भारती, केआरके सर के चश्मे से आर पार मुझे नजर आ रहा है क्या कि ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मौका दें। चलो यार, कोई तो इनको मौका नहीं दे रहा, हम तो मौका दें। जोरदार तालियां हो जाए। नसीम भाई, एक्चुअली भाई से बड़ा इंसल्ट और क्या हो सकता है, आपके यहाँ पे आके कोई आपको भाई बुला दे इनमें से कोई लड़कों को, इट्स वेरी बैड। आप लोगों को पता है क्या हुआ था कि बाहर जब मैं अंदर आ रही थी तो इनका पर्स चोरी हो गया था, और इनफैक्ट ये बाहर भाग रहे थे अपना पर्स बचाने, और लोग इनको ही पकड़ के मारने लगे। एक्चुअली ऐसे शक्ल के बहुत नुकसान भी होते हैं, तो प्लीज आप ऐसे बाहर मत घूमो। मैं कहूंगा ये सबसे कि जिस तूफान में इन लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं उस तूफान में भाई अपनी पैंट सुखाते हैं। ना मेरा भाई अच्छा आदमी है, लेकिन गोविंदा जी की इतनी एक्टिंग किया, गोविंदा जी घर बैठ गए। हंस तो सर, हम तो हंसते थे, ये लोग तो ऐसे बैठ गए जैसे एकदम क्या मूवी। चलो भाई बोल रहा है हमारा, जोरदार तालियां इजाजत के लिए। खुश रहो, वैसे भी राज कपूर साहब कह के गए थे कि अपना मजाक बना के लोगों को हंसाना ये सबके बस की बात नहीं है। मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं कि इन लोग भी अपना इतना मजाक बना के लोगों को हंसाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हंसाते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा हिम्मत किया, मेरे को मजाक पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं ये सब लोगों से सीखा कि भाई मजाक बर्दाश्त करने में और मजा आता है। अच्छा भारती जी, जी सर, आप जरा थोड़ा आगे को आ जाइए। अरे लाओ जी सर। अरे इधर तो ये रखिए 2 रुपीज। सुनिए, अरे अपना ऑटो का किराया मुझे दे दिया, बस में लटकने जाएंगे। थैंक यू। तो मैं 2 रुपीज पीपल तो बहुत लोगों को बोलता हूँ, आज मुझे कोई मिला है जिसको मैं 2 रुपीज भैंस बोला करूंगा। क्या बात है, बकरे ने क्या बात की, जोरदार तालियां। मुमीन भाई, आपने केआरके बनने की कोशिश की, सच में तो आप बन नहीं सकते अगले 10 जन्म में भी, बट चलो झूठ मूठ ही बन के आपकी हजरत तो पूरी हो गई।
और कृष्णा। जी सर। चल तेरे जैसे 500 लोगों को महीने में तनख्वाह देता है केआर के, तो जब केआर के आपको एक एक रुपया देना है सबको, क्या फर्क पड़ता है आपको? सुदेश भाई मेरे घर पे यही जन्नत की तो बात छोड़ दीजिए, वहां कितने यहां जो आपके ऑफिस के सामने है ना उस बंगले पे आके देख लेना, 3 ड्राइवर हैं, ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह लगते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो आप भी कहीं ड्राइविंग शुरू कर दो, इससे बेटर मिलेगी तनख्वाह वहां पे। और आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया किया, हमें बहुत मजा आया, इसके लिए आप लोगों के तालियां। अरे राहुल दोस्त इस पार भी है और कुछ दोस्त उस पार भी है और हम सभी यहाँ मनोरंजन करने आए हैं, और मेरा असली दोस्त है ना वो इस शो का डायरेक्टर है निकुल देसाई, तो थोड़ा ट्विस्ट है डायरेक्टर्स कट। सेकेंड टाइम जो बिग बॉस में गया ना मैं, वो केआरके की वजह से गया था। बिग बॉस ने मुझे खास बुलाया, मैं दीवार फांग के फिर से गया अंदर और उन्हें तेरे लिए खास संदेश भेजा है बिग बॉस ने खुद, मैं जरा लेके आता हूँ संदेश क्या। अच्छा।